ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कहाँ से हुआ था? कैथोड रे से, है ना? समझ गए ना? इलेक्ट्रॉन कहाँ से हुआ था? कैथोड रे। कैथोड रे जब अपन एक्सपेरिमेंटली कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, उस समय जब कैथोड रे आया था। कैथोड रे क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो था उसी का नाम इलेक्ट्रॉन दिया गया था, नामकरण जो किया गया था। वो क्यों थे? हमारे काफी साइंटिस्ट थे जिनका नाम है स्टोनी, है ना? चलो ओके। तो ये जो था ना स्टोनी ने वेलोसिटी, स्पेसिफिक चार्ज और इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट किया गया था। ठीक है, तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है ना, ई बाई एम रेशियो, है ना? ई बाई एम रेशियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ई बाई एम रेशियो आपको पूछा जाता है हीलियम का, अल्फा का, बीटा का, सारा पूछा जाता है। ठीक है, और एक चीज और याद रखना, ई बाई एम रेशियो वॉज फाउंड टू बी सेम फॉर ऑल गैसेज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ई बाई एम रेशियो जो था ऑल गैस के लिए सेम पाया गया था। ठीक है ओके। कैथोड रे से ही हमारा इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था, है ना? अब आप लोग को ये दिख रहा है सेटअप, है ना? बोलो। हाय, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड ये आपका लगा है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? बोलो हाँ या ना। हाई यस वोल्टेज, वोल्टेज हाई अपन आया 10,000, याद आया ना? टेन सर, थाउजेंड यस सर, यस सर, 10,000। यस, प्रेशर 10^-4 एटीएम। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ, यहाँ से हमारा जो है रे निकल रहा है नेगेटिव वाले से, यही था ना नेगेटिव, यहाँ यस से निकल रहा है और ये हमारा पॉजिटिव है। पॉजिटिव प्लेट मान लो ये होगा, है ना? ठीक है, पॉजिटिव हमारा ये है और ये हमारा था नेगेटिव, और यहाँ से रे निकल रहा था, है ना? सर, और ये रे जहाँ से निकल रहा था वो प्लेट का क्या नाम था? कैथोड। थोड़ा और रे जहाँ जा रहा था, जिधर डिफ्लेक्ट हो रहा था, वहां क्या था? एनोड। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ, ये रे जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना, एनोड। हाँ, जैसे ही रे निकल रहा था कैथोड रे से, रे हमारा क्या निकल रहा था ऐसे। ठीक है, अब ये रे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में किधर डिफ्लेक्ट होगा ये बताओ, एंड मैग्नेटिक फील्ड में किधर डिफ्लेक्ट होगा? आपने क्या किया, कैथोड रे बन गया हमारा, ये हमारी सारे सारे क्या है? कैथोड रे है ना? क्या है हमारे? कैथोड रे है। अब ये कैथोड रे को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में पास कराओगे तो किधर डिफ्लेक्ट होगा, पॉजिटिव की तरह, प्लेट की तरह, या नेगेटिव प्लेट की तरफ? पॉजिटिव सर, ऊपर ऊपर पॉजिटिव यस, अब ये रे जो है ना यहाँ से पॉजिटिव आते 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 नेगेटिव, नेगेटिव की तरफ नहीं, पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया है। अगर ये पॉजिटिव की तरह डिफ्लेक्ट हुआ तभी हमें पता चला, अच्छा ये तो नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, ऐसे भी हम लोग पहचान लिए थे ना। सर, एक बार दोबारा बताना। ये जो रे निकला था ना कैथोड रे, कैथोड से रे जो निकला था, इसको हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करा दिया था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यस सर, सप्लाई किया और हम लोगों ने देखा कि ये रे जो है ना पॉजिटिव प्लेट की तरह डिफ्लेक्ट हो रहा है। समझे, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई कर दिया आपने यस और जो रे निकल रहा था सर, पॉजिटिव की तरह डिफ्लेक्ट हुआ है, तो ये ध्यान रखना है ना। ठीक ओके सर, है ओके। इससे हमें क्या आइडिया लगा यस कि हमारा जो रे है, रे में जो पार्टिकल है नेगेटिवली चार्ज है ना, रे में पार्टिकल क्या है हमारा? नेगेटिव है ना? इससे प्रूव हो गया, समझ गए? इससे प्रूव होता है कि अगर ये पॉजिटिव प्लेट की तरह अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है? नेगेटिवली है। ठीक सर। है, और किसी को डाउट तो नहीं है ना? बोल लो। नो ठीक है, सर, अब आ नो जाओ। सर, अब वन बाय वन सारा चीज स्टार्ट होता है, जैसे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ना यहीं से पता चलता है कि जो पार्टिकल जो था हमारा पॉजिटिव प्लेट की तरह डिफ्लेक्ट हो रहा था, इसका मतलब वो पार्टिकल क्या होगा? नेगेटिवली होगा। तो नेगेटिव पार्टिकल से हमें क्या पता चला कि नेगेटिव पार्टिकल को ही इलेक्ट्रॉन बोला गया, और इसी से हमारा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी फ्रॉम कैथोड रे। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, है ना? सर, और इसका कंक्लूजन ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन मस्ट बी ए फंडामेंटल या यूनिवर्सल पार्टिकल कॉमन टू ऑल काइंड ऑफ एटम।
इलेक्ट्रॉन तो हर जगह होते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कहीं पे ना हो, इलेक्ट्रॉन हर जगह आपको मिलेंगे, तो ध्यान रखना है ना, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन हर जगह दिखता है ना, फाइन फाइन है ना, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव की तरह और मैग्नेटिक फील्ड में भी देखा गया है कि ये क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में भी ये डिफ्लेक्ट पाया गया है ना। अब रही बात ई बाई एम रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन, अभी के लिए याद रखो, बाद में ये प्रूफ भी हो जाता है। ई बाई एम रेशियो कितना आता है हमारा, याद रखना, ई बाई एम रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन कितना आता है, 1.11। 1.15858×10^11 यस, C/kg। ये क्या है हमारा, स्पेसिफिक चार्ज रेशियो है, क्या है हमारा स्पेसिफिक, ई बाई एम रेशियो क्या बोलता है, स्पेसिफिक चार्ज रेशियो है ना। ई है हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एम ई क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम ई क्या है हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं है ना, ठीक है, तो ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने से पहले है ना थोड़ा सा प्रॉपर्टी देख ले क्या, क्योंकि यहाँ पे चलो पहले डिस्कवरी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ दिया है तो चलो पहले देख लेते हैं। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या एनी डाउट, अरे ये साउंड नहीं आ रहा वो क्लियर, एटम देखो टू एटम मूलिकन चेंज वायर। भी है क्या? हाँ बोलो, कौन सा अरे ई ईएम बाई एम रेशियो जो है रेशियो वो ना, एटम अलग एटम का अलग होगा एटम ना, चेंज। चार्ज अलग हो जाएगा, हाँ चेंज होगा देखिए, नहीं होगा ओके सर, सर जो ये किसका मास है चेंज होगा तो चेंज सर, ये होगा, किसका है? अगर केवल इलेक्ट्रॉन ई बाई एम रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन बात हुआ था, सारे एटम का सेम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास ले रहे हो, अगर अल्फा, अगर आपने यूज कर लिया अल्फा तो अल्फा का मास अलग होगा फिर, तो सर सबसे समझ गया ज्यादा क्या। तो ई बाई एम रेशियो इलेक्ट्रॉन का ही होता होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का ही होता होगा। ई बाई एम रेशियो जो है हमारा इलेक्ट्रॉन का जो है सेम होता है, कोई भी एटम यूज कर लो, सोडियम पोटेशियम जो भी है, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन होगा ना, नहीं अब सर, वहाँ इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा होना चाहिए ना वैसे तो ई बाई ये एम हम लोग रेशियो। देखेंगे आएगा आएगा, ठीक है, जिसका मास कम होगा, चार्ज भी तो देखेंगे ना, सर अल्फा पार्टिकल सर जब का आएगा सर, नेगेटिव ठीक है, सर, नहीं नहीं नेगेटिव नहीं लेते, नेगेटिव से नहीं, नो ये तो नेगेटिव में होना चाहिए ना, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है, चार्ज तो नेगेटिव है। मैग्नीट्यूड लेंगे ना हम लोग, रेशियो निकालो, तो इसे नेगेटिव से क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड लेंगे ना, ठीक है, नेगेटिव होता है चार्ज, वो सही है, लेकिन हम लोग मैग्नीट्यूड वैल्यू लेते हैं, तो नेगेटिव सब में होगा ओके ना, ऐसा थोड़ी है केवल इसी में होगा, ऐसा नहीं है ना, फाइन। चलो तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज यस सर, थैंक था, इलेक्ट्रॉन यू का चार्ज का वैल्यू क्या था, मूलकन वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज उसकी वैल्यू का पता किए थे, ठीक है, मूलिकन ने ही कैलकुलेट किया था एक्सपेरिमेंट के थ्रू है ना, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मूलिकन ने ही एक्सपेरिमेंट सेटअप किया था, अपरेटस देख लो, ये सारा चीज़ है ना, सारा चीज़ यूज किया था उसने, एटोमाइजर यूज किया, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट यूज किया, ये हमारा पॉजिटिव प्लेट है, टेलीस्कोप, नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ये हमारा नेगेटिव चार्ज प्लेट है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट, नेगेटिव चार्ज प्लेट है ना, ऊपर हमारा क्या है पॉजिटिव चार्ज प्लेट यूज किया, नीचे हमारा नेगेटिव चार्ज प्लेट यूज किया इसने है ना, फिर यहाँ पे सोर्स ऑफ रेडिएशन पास कराने के लिए, फिर यहाँ पे प्लस नेगेटिव दोनों प्लेट को कनेक्ट किया, पॉजिटिव प्लेट एंड ये हमारा नेगेटिव प्लेट है, फिर वोल्ट से भी कनेक्ट किया इसको है ना, ये सेटअप है, ठीक है, क्लियर है। सर, एटमाइजर क्या होता है? मतलब बोला बोला ना आपको, गैस गैस भेजा जा रहा है, गैस बबल, वाटर बबल देखे, वाटर बबल, सर बबल बबल का बात हो रहा है यहाँ पे, ये आप लोग हो गए, ये खेले हो, वो आता है फूकने पे एकदम गोला यस सर, गोल यस बनती सर, जा रही है, यस सर, यस वही सर, है, वही है वो, छोटा ओके सर, छोटा 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 वाला एटोमाइजर होता है ये, बबल के फॉर्म में ये हम लोग रिसर्च करते हैं कि बबल जो जाएगा ना, बबल ऐसे जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रुक जाता है ना, ठीक है, एटोमाइजर एक एक टाइप का
बबल को निकालने के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, में भी यूज होता है, बहुत सारा मशीन में यूज होता है, ठीक है, फाइन। जैसे शादी उदी में जाओगे ना तो ऐसे फेंकते हैं ना लोग, ठीक है, और या स्प्रे में यूज करते हैं, ठीक सर। है, लेकिन यहाँ पे तो पूरा बबल निकलेगा ऐसे ऐसे, वाटर बबल ऐसे, ठीक है, फाइन। जैसे यहाँ पे लिखा है ना बबल, ये देखो लो, वाह यही है वहां पे, है ना, यही यहाँ निकल के यहाँ पे आके, यहाँ पे मान लो एक बबल होगा यहाँ पे ऐसे ना, यहाँ पे आया होगा, यहाँ से जा रहा है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट में जा रहा होगा, क्यों जा रहा होगा, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चलो हम लोग यहाँ पे एटोमाइजर में क्या यूज करते हैं, वायल, वायल, वायल का पास करवाते हैं, वायल इज पास थ्रू एटोमाइजर, है ना, ठीक है, वहां पे क्या है, टीनी टीनी ड्रॉपलेट दे पास थ्रू द होल प्रेजेंट इन द अपर प्लेट, यहाँ पे ना टीनी टीनी खाली जगह हुआ, देखो यहाँ पे डायग्राम में नहीं लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है, ये होगा टीनी टीनी प्लेट में नहीं बना हुआ है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे क्या है, छोटा 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 बिंदु होगा, है ना, एटोमाइजर से वायल पास करवाते हैं, वायल ड्रॉपलेट है, इसका मतलब हम लोग वायल यूज किए हैं, और ये जो ड्रॉपलेट है ये छोटी छोटी जो होल है उनसे निकलता है ना, टीनी ड्रॉपलेट जो है ये इसी होल से नीचे जाएगा, है ना, फाइन, है ना, सर। और हमें ये कैसे पता चला कि ये जो वायल है नीचे जा रहा है, इसके लिए हम लोग ने क्या यूज किया, टेलीस्कोप, क्या बोलते हो, है ना, यहाँ से हम लोग बैठ के देख रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, तो ये ड्रॉपलेट जो नीचे आ रहा था, ठीक है, फाइन, सर ये जो ड्रॉपलेट नीचे आ रहा है ध्यान रखना, मान लो एक ड्रॉपलेट नीचे आ गया, यही वाला, यही ड्रॉपलेट है यहाँ पे, ये वाला वायल ड्रॉप, वाइल ड्रॉप है मेरा, ठीक है, अब ये ड्रॉप जो नीचे आएगा, ध्यान सुनना, ड्रॉप जब नीचे आ रहा है आपको क्या लग रहा है, क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशन एनर्जी, ग्रेविटेशन यस फोर्स नीचे लग रहा है, हाँ यार ना, सर धीरे 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 आ रहा होगा, यस सर नीचे फोर्स ग्रेविटेशन लग रहा होगा, इधर से भी यस तो सर लगेगा ना, इधर से फोर्स क्या लग जाएगा स्टैटिक फिर, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ यार ना, यस नीचे क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल ऊपर लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों, क्योंकि हमारा प्लेट क्या है, नेगेटिव, और ये नेगेटिव वायल ही, ठीक है, तो नीचे नीचे जो लग रहा होगा ग्रेविटेशन फोर्स, है ना, ऊपर क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, किसी एक समय पे दोनों बराबर हो जाएगा, अपना ग्रेविटेशन फोर्स डाउन द फोर्स जो है बराबर हो जाए, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड से, तब हमारा वायल ड्रॉप पे क्या होगा, स्टेटिक हो जाएगा एक जगह पे, उस समय पे ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, फिर कब कट कहीं गिर क्योंकि हम लोग गया जो है ना यहाँ पे सेटअप किए हैं, क्या 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 सेटअप किए हैं बोलो, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अपन सेटअप किए हैं यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है, सर ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते क्या हुआ ना, मोशन जो है हमारा वायल का मोशन ड्रॉपलेट जो है अफेक्ट कर रहा था, ठीक है, ठीक है, एंड डाउनवर्ड क्या हो रहा था, अट्रैक्शन हो रहा था, डाउन साइड क्या हो रहा था, अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे नीचे क्या हो रहा था, अट्रैक्शन, या अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स से यस यस, ग्रेविटेशन फोर्स के चलते क्या हो रहा था, वायल अट्रैक्शन हो रहा था डाउन द ग्रुप, है ना, ठीक है, सर और आप लोग ये बताओ अपवर्ड फोर्स कौन लग रहा है, नीचे तो चलो अट्रैक्शन हो रहा है ग्रेविटेशन चलते, अपवर्ड जो हो रहा था कौन कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव फील्ड कर रहे थे यस, फील्ड जो सर हमने बनाई थी ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते हो रहा था, ऊपर जो हो रहा था अपवर्ड, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन आ रहा था किससे, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन के चलते, अपवर्ड किससे जा रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा था, वायल को पुश अपवर्ड, यस सर अपवर्ड, ये हमारा डाउनवर्ड ला रहा था, वो हमारा ऊपर ले जा रहा था, अब वायल ड्रॉपलेट किसी एक टाइम पे क्या होगा, स्टेटिक्स हो जाएगा, रुक जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, क्या जाएगा, स्टेटिक्स क्या बोल सकते हो अपन, इक्विलिब्रियम या स्टेटिक्स बोलो, रुक गया, ठीक है, स्टेटिक्स बोल सकते हो या बोल सकते हो इक्विलिब्रियम, आ ऐसा टाइम जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के बराबर हो गया ना, आप या क्या बोल सकते हो, जो हमारा फोर्स अपवर्ड है वो किससे बराबर हो जाएगा, फोर्स डाउनवर्ड
आप लोग फ्री बॉडी डायग्राम हो गया आपको क्या चल रहा है? फिजिक्स नहीं हुआ सर अभी। में फ्री बॉडी डायग्राम हो गया? ये नो सर, वैसे सुना ही नो नहीं। सर अभी नहीं हुआ। ओके ठीक है चलो। नो सर। ओके तो डाउट नहीं आ रहा है ना? अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स ठीक है ना? अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स बराबर हो जाता है जब इक्विलिब्रियम आता है ना। हम मान रहे हैं कि किसी एक टाइम पे जो वायल होगा ऊपर से नीचे आ रहा होगा, पॉजिटिव प्लेट से टीनी पार्टिकल जो होगा, टीनी टीनी जो होल हुआ है उससे अपना वायल ड्रॉपलेट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, किसी एक टाइम पे रुक गया यहाँ पे। अगर यहाँ पे हमारा वायल ड्रॉपलेट रुका है तो यहाँ पे नीचे लग रहा होगा ग्रेविटेशन फोर्स, वो जो क्या कर रहा होगा डाउनवर्ड खींच रहा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऊपर भेज रहा होगा। समझ गए? क्लियर है? अब आ जाओ, किसी टाइम पे ये दोनों फोर्स हमारे क्या हो गए? बराबर। क्या हो इक्वल जाएंगे? हमारे बराबर हो जाएंगे, इक्वल। पावर, ठीक है इक्वल। यस सर, जब दोनों जहां बराबर। फोर्स हो। हाँ यस, किसी एक टाइम पे इक्वल हो गए। देखो यहाँ पे तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, स्पेस ही नहीं है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं ना। ध्यान रखना उसका बाद से एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है ना। मोलिकन्स मोलिकन्स वायल ड्रॉप ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट, मोलिकन वायल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट है ना, ड्रॉप वायल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो क्या हो रहा था यहाँ पे? हमारा जो वायल है छोटा सा वायल वायल ड्रॉप, वो ऊपर फोर्स लग रहा था अपवर्ड बोल सकते हो, एक फोर्स हमारा यूपी डाउनवर्ड लग रहा था, राइट? पर ये हमारी क्या है, कब कब ये दोनों बराबर होगा? जब दोनों दोनों तरफ एक लाइन पे स्टैटिक स्टैटिक स्टैटिक्स हो गया या इक्विलिब्रियम पे ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कब कैलकुलेट करेंगे? जब दोनों फोर्स बराबर हो जाए। फोर्स स्टैटिक्स हो गया। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू फोर्स डाउनवर्ड, दोनों फोर्स बराबर हो जाएगा डाउन तभी। ठीक है, उसी समय पे अपन कैलकुलेट करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, हम लोग बेसिकली इस ये जो ड्रॉपलेट है ना वायल वाली, वायल ड्रॉपलेट जो है वायल पे, इस पे कितना चार्ज है वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। बेसिकली वायल ड्रॉप है ना हमारा, वायल ड्रॉप में हम लोग यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन चार्ज द चार्ज ओवर द चार्ज ओवर द ड्रॉपलेट, द चार्ज ओवर द ड्रॉपलेट, चार्ज ओवर द ड्रॉपलेट इज कैलकुलेटेड एट इक्विलिब्रियम। हम लोग इक्विलिब्रियम पे ही कैलकुलेट करते हैं, तो इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, दोनों फोर्स बराबर हो रहा है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, विच इज डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मास ऑफ ड्रॉपलेट एंड एंड मास ऑफ ड्रॉपलेट। एक और ड्रॉपलेट हाँ बात बोलो क्या? बता दो, एक और बात बता दो। देखो वैसे इसका प्रूफ कहीं पे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, और ये प्रूफ से कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, आपको याद क्या रखना है कि मोलिकन वाइल्ड ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट जो था किसके लिए यूज यूज किए थे अपन? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के के चार्ज चार्ज कैलकुलेट है ना, कि इलेक्ट्रॉन पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, उसके लिए हम लोगों ने ये पूरा सेटअप किया था। हम लोगों ने क्या किया ना, हम लोगों ने यूज किया प्लेट है ना, एक जो प्लेट था पॉजिटिव चार्ज था, दूसरा हमारा नेगेटिवली चार्ज था। नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट जो टीनी टीनी होल था है ना, और हम लोगों ने एटोमाइजर यूज किए थे। एटोमाइजर में क्या है, वाइल्ड ड्रॉपलेट जा रहा था यहाँ पे है ना, तो वाइल्ड ड्रॉपलेट जो है छोटे छोटे जो होल है होल से नीचे आ रहे होंगे, मान लो ऐसे ऐसे वायल है ना, तो कोई कोई एक वायल पे हम लोग लेके हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसी एक वायल का है ना। और हम लोग का जो दो प्लेट है हमारा नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई कर रहा है। ठीक है ना, और हम लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं कहाँ से, टेलीस्कोप से। ठीक है, इसका प्रूफ आपसे नहीं पूछा जाएगा है ना। ठीक है, प्रूफ इसलिए बता रहे हैं, मान लो किसी को मन करे कि आखिर कैसे हो गए,
चार्ज कैसे डेवलप मींस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ना जितना भी है वैल्यू कैसे आ गया उसके लिए है। यहाँ पे सेटअप में कोई डाउट है ये बताओ। नो सर। सर हाँ जी सर, आपने इससे पहले जो स्लाइड पे लिखा था दाद चेंज के बाद क्या था? एक मिनट, यहाँ पे किसी को डाउट है? तो वायल नो ड्रॉप सर। था ना, एटोमाइजर से हम लोग वायल ड्रॉप पे पास करा रहे हैं। देखो इसका प्रूफ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसको जानना है कि मुल्कन वायल ड्रॉप ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट जो था इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैलकुलेट करने के लिए ना यूज किया था मिल्कन ने, है ना? ठीक है, मिल्कन ने क्या यूज किया था? मिल्कन ने ये सेटअप किया है ना, एटोमाइजर यूज किया, वायल ड्रॉपलेट पास करवाया, दो प्लेट यूज किया, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करवाया। वायल ड्रॉपलेट पे इसने क्या कैलकुलेट किया? एक कोई वायल ड्रॉपलेट पे इसने एक्सपेरिमेंट किया और वहां पे कितना चार्ज प्रेजेंट है उस वायल ड्रॉपलेट पे उसको इसने कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू भी याद कर सकते हो यहाँ से, है ना? हम लोग बेसिकली यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं, लेकिन प्रूफ इज नॉट मच इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। सर हाँ बोलो, सर ये डॉट चेंज के बाद क्या है? कहाँ पे चेंज? आपने ग्रीन में लिख रखा डॉट चेंज ही है ना ये? द चार्ज है, व्हाट द ड्रॉपलेट द चार्ज ओवर द ड्रॉपलेट इज कैलकुलेटेड एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं कितना चार्ज प्रेजेंट है वाइल ड्रॉपलेट पे। कोई एक वाइल ड्रॉपलेट हम लोगों ने ले लिया और हम लोगों ने, आप ये बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट है ना, ऐसे देखो पॉजिटिव प्लेट पे क्या था? छोटा 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 होल था और हम लोगों ने एटोमाइजर से वाइल ड्रॉपलेट पास करवा दिया, तो वाइल ड्रॉपलेट ऐसे आ रहा है, होल से निकल गया, यहाँ पे ये जा रहा था डाउनवर्ड। डाउनवर्ड क्यों जा रहा है? ड्यू टू द अट्रैक्शन, कौन सा? ग्रेविटेशन फोर्स से। लेकिन नीचे क्या था हमारा? नेगेटिव प्लेट था, ध्यान रखो नीचे हमारा क्या? नेगेटिव प्लेट है। अब नेगेटिव प्लेट क्या करेगा? भाग ऊपर, क्योंकि ये दोनों चार्ज क्या है? सेम है, याद आया? दोनों सेम चार्ज है तो एक दूसरे से दूर जाएंगे ना वो, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लग रहा था, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रहा था। तो किसी एक टाइम पे इक्विलिब्रियम आएगा जब वाइल ड्रॉपलेट का मोमेंट जो है डाउनवर्ड ना हो ना अपवर्ड हो, एक जगह रुक जाएगा, उस केस में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कितना चार्ज है उस वाइल ड्रॉपलेट पे, कितना चार्ज है वो हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, इसका प्रूफ इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट, बस नॉलेज के लिए जान जाओ बस, है ना? बाकी डायरेक्ट वैल्यू याद रखना कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है और किसने किया था बस। ठीक है, अच्छा सर इसकी एक बात पूछनी थी। सर आपने बोला ई बाई एम रेशियो, तो सर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक चार्ज है और मास जो है वो इलेक्ट्रॉन का है उसका रेशियो। पर सर आपने जो अभी जो बताया ऑयल ड्रॉप वाले एक्सपेरिमेंट में, तो सर चार्ज तो चलो इलेक्ट्रॉन का है लेकिन सर मास तो वो ऑयल ड्रॉप पे डिपेंडेंट है ना सर, तो उसमें तो सर बहुत कुछ वहां पे ये भी ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ से मास नहीं कैलकुलेट होगा। ठीक है, यहाँ से ई बाई एम नहीं होगा कैलकुलेट? कहाँ पे सर यहाँ से क्या कैलकुलेट? यहाँ चार्ज, यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मास ऑफ ड्रॉपलेट कोई एम होगा, ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, हम लोग इलेक्ट्रॉन का मास नहीं निकाल रहे, यहाँ से हम लोग निकालने वाले हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। ठीक है सर, मतलब चार्ज निकाल रहे हैं इसमें, E by m रेशियो निकाल रहे हैं। हाँ नहीं नहीं नहीं, E by m रेशियो थोड़ी निकाल रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल, E by m रेशियो नहीं निकाल रहा है। ओके सर, ये कंफर्म। E by m रेशियो एक्सपेरिमेंट से निकाला है ना सर? ये तो हमने ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट करा, ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है यहाँ पे, ये हम लोग निकाल थोड़ी लेंगे, है ना? तो आप लोग ये बताओ डाउनवर्ड कौन सा फोर्स लग रहा होगा? ग्रेविटेशनल, है ना? एफ अप जो है, एफ डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है? तो एफ अप कौन सा आपका लग रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा हुआ था, यही बोलेंगे ना, फोर्स लग रहा होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या बोलते हैं? तो एफ अप क्या बोलेंगे? क्यू इंटू ई होता है, ये आप लोग पढ़ोगे ट्वेल्थ में, ठीक है? ट्वेल्थ में आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्यू इंटू ई होता है, तो क्यू इंटू ई इज इक्वल टू एफ डाउनवर्ड क्या हो रहा है? एम जी लग रहा है, एम इंटू जी। ये एम क्या है? मास ऑफ ड्रॉपलेट, ये एक्सपेरिमेंट किया है, कोई ड्रॉपलेट लिया होगा उसने, मास ऑफ ड्रॉपलेट, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग क्यू निकाल रहे हैं, क्यू क्या है हमारा? इसका मतलब क्यू ई है हमारा, कौन सा?
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे सब आ रहा है, रुक जाओ। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका प्रूफ आपसे शायद ना पूछा जाए कहीं कभी, बस थ्योरेटिकल चीजें पता होना चाहिए, सेटअप पता होना चाहिए बस, ठीक। प्रूफ नहीं पूछेगा, बस प्रूफ इसलिए बता रहा हूँ मैं, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, कि आपको पता चलना चाहिए कैसे प्रूव हुआ है ना। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मास ऑफ ड्रॉपलेट, ठीक है, और क्या बचा? जी 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 आप क्या क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सर, ठीक है, वही है। चलो अब हम लोग यहाँ पे, हमें बेसिकली क्यू निकालना है, तो क्यू क्या हो जाएगा, एम जी अपॉन एम जी बाई ई, है ना, ठीक है। और यहाँ पे मास, ग्रेविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से आपको आ जाएगा। सर ये क्यू ई इक्वल टू एम जी कैसे है, कहाँ से है ये, एफ ये देखो, अपवर्ड फोर्स क्या लग रहा था हमारा, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था ना, अपवर्ड कौन लग रहा था, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक लग रहा था ना। एफ अपवर्ड क्या आया बोलो, इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हो ना, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर लग रहा था ना, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी नहीं, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड से। और हमारा डाउनवर्ड क्या लग रहा था, एफ डाउनवर्ड, एम जी, एम जी, एम जी, एम जी जो हो रहा था फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन, फाइन। इसमें किसी को कोई डाउट है बोलो, नो सर, है ना। ड्रॉपलेट कैसे मेजर कर रहा होगा, कौन सा ड्रॉपलेट, ये एक्सपेरिमेंट है, सब एक्सपेरिमेंट है, उसने मेजर किया होगा मास, ठीक है, ठीक है। ये मास एग्जैक्ट देखो, इसका एक्सपेरिमेंट एग्जैक्ट आपको मीन्स जैसे प्रूव हुआ उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, है ना। बस एक्सप्रेशन ध्यान रखना है कि अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है यहाँ पे, है ना सर। हाँ बोलो सर, इसका प्रूफ बोर्ड में भी नहीं आएगा, बोर्ड में तो चांसेस कम है, पूछना होगा तो आप तो फिर तो जेई में पूछेगा ना, या पूछना होगा तो बोर्ड में चांसेस कम है, फिर उसको देना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रहा है तो फिर आपको बताना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़ोगे कहाँ पे, ट्वेल्थ में, तो उतना डिटेल में अभी नहीं जा सकते ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप कैलकुलेट कर सकते हो सर इसी एक्सपेरिमेंट में। इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूज किया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप लोग पढ़ोगे ट्वेल्थ में इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इसलिए ना इतना डिटेल में अभी आपसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, फाइन। तो बेसिकली क्या होता है ना, मास, ग्रेविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पुट करोगे तो क्यू की वैल्यू आएगी, यही क्यू कितना आता है, बस याद रखना आपको डायरेक्ट क्यू कितना आता है, चार्ज, चार्ज आपका आ जाता है 1.6021 इंटू 10 के पावर -90 कूलम, यही वैल्यू आती है एक्सपेरिमेंट होने के बाद। और यही क्या है हमारा, एक चार्ज जो है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, 2 इंटू 10 के पावर माइनस 90 कूलम, है ना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे नेगेटिव ही रहता है, ठीक है। तो ये वैल्यू याद रखना है, प्रूफ याद है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिल्कंस, मिल्कंस जो है हमारा, मिल्कंस का आपको बस ये याद रखना है, क्या क्या सेटअप यूज किया था, क्या क्या चीजें थी बस, और किसके लिए था। मिल्कंस वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है वैल्यू, उसको डिटरमाइन करने के लिए, फाइंड करने के लिए मिल्कंस ने वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट यूज किया था बस। तो ये वैल्यू याद रखें, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है ना, क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आप लोग याद रखना है ना, आगे चले हम लोग, है ना। अब आ जाओ,
तो यहाँ से हमें पता चल गया है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, माइनस 1.6 इंटू 10 के पावर 9 कूलम। हम देखो ये प्रूफ भी नहीं किया है यहाँ पे, ये डायरेक्ट लिख दिया। क्यों? क्योंकि बहुत सारा चीज़ें जो है ना आप 12th में पढ़ोगे, इसलिए प्रूफ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं, है ना। ठीक है, तो स्पेसिफिक चार्ज को ही अपन क्या बोलते हैं, ई बाई एम। और ये भी ना ई बाई एम जो है, आपको ई बाई एम की वैल्यू जो है जे थॉमसन ने बताया था एक्सपेरिमेंट करके, ई बाई एम रेशियो जो था हमारा, E by M एक्सपेरिमेंट करके जे थॉमसन ने ये बताया कि E by M की वैल्यू ना आपका आ रहा है 1.7588 इंटू 10 के पावर 11 कूलम पर केजी आ रहा था, है ना। और यहाँ से हम लोग निकाल लिए थे क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस क्या क्या यूज़ किए थे, एक तो हम लोग एक्सपेरिमेंट यूज़ किए थे मिल्कंस वाला, मिल्कंस से हमें चार्ज पता चल गया था एक इलेक्ट्रॉन पे, एंड जे जे थॉमसन ने स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू बता दिया था। ठीक है, ई बाई एम रेशियो ऑन इलेक्ट्रॉन कितना आता है, ये दोनों वैल्यू हमें पता है, और हमें निकालना क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बताओ, अगर आपको ऑलरेडी चार्ज पता है और ई बाई एम पता है तो क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन या लिख लो ऐसे चार्ज, चार्ज डिवाइड बाई स्पेसिफिक चार्ज कर दो, चार्ज डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक चार्ज। अगर दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको पता है क्या मिलेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एमई की वैल्यू मिलेगी। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, है ना, कितना है 1.6, जो कि माइनस में ही है याद रखना, 1.602 इंटू 10 के पावर माइनस 19 डिवाइड बाई स्पेसिफिक चार्ज कितना, जे जे थॉमसन ने बताया था याद रखना, जे जे थॉमसन ने बताया था ई बाई एम रेशियो 1.75882 इंटू 10 के पावर 11, ये कूलम है, ये कूलम पर केजी है, राइट। तो यहाँ से वैल्यू कितना आ रहा है बताना आप लोग, 1.602 इंटू 10 के पावर 19 है तो 21 कर लो, 1.6021 इंटू 10 के पावर माइनस 90 डिवाइड बाई 1.788 इंटू 20 इंटू 10 के पावर 11। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी ना केजी में आएगी, इसमें आएगी केजी में, जैसे यहाँ पे कैलकुलेट किया इसने कितना 9.1। ये ध्यान रखना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केजी, यही आता है भाई, ये प्रूव हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 केजी। ओके, क्लियर है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता चल गया केजी में, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको पता चल गया है, क्लियर है सबको, बोलो फाइन सर। यस सर, ठीक है, चलो। चार्ज बाई मास रेशियो जो है इलेक्ट्रॉन का, जे जे थॉमसन ने ही स्टडी करके बताया था, ठीक है, क्लियर है सर। तो ये एक्सपेरिमेंटली डाटा है, तो आपको बस ध्यान रखना है ना, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ बोलो, किसी को डाउट है? सर भव्य जैन। हाँ बोलो, ठीक है, अब आ जाओ आप लोग, किसी को डाउट तो नहीं है ना, ठीक है, अब आ जाओ। अब देखो आप लोग, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया हमें, है ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया, ई बाई एम रेशियो कहाँ से कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रॉन का, जे जे थॉमसन ने, है ना, एक्सपेरिमेंट किया था उसी समय। अब आता है कुछ प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कैथोड रे के बारे में, किसके बारे में, कैथोड रे के बारे में आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ठीक है। कैथोड रे ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, बताओ। यस सर, यस सर, यस सर। क्या कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है? यस यस सर, यस सर। ये कैसे पता चला? फर्स्ट तो जो हमारा एक्सपेरिमेंट था सर, शैडो वो पॉजिटिव शैडो, ये याद है ना? यस सर, शैडो बना के पता चला, शैडो बाय शैडो, शैडो का फॉर्मेशन हो गया था ना। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट पुट करोगे, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट आप पुट कर दोगे ना, तो शैडो बन जाएगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लिख लो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, यहाँ पे लिख लो, लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। सर हॉरिजॉन्टल में शैडो फॉर्म नहीं होता, हॉरिजॉन्टल लाइट में सब लाइट हॉरिजॉन्टल आया, तो उसके लिए तो स्टेट ही रहा ना,
समझ गया हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल उसके लिए तो वो स्टेटिक रहेगा ठीक है। प्रॉपर्टी लिखना फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कैथोड रे याद रखना इसको है ना ये आपको बोर्ड में ही पूछा जा सकता है और स्टेटमेंट बेस पे भी है ना कैथोड रेस आर आर नेगेटिवली आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में कैथोड रे क्या होता है डिफ्लेक्ट हो जाता है ध्यान रखना ठीक है लिख लेना इलेक्ट्रिक फील्ड हो या एंड मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या होता है डिफ्लेक्ट होता है ये डिफ्लेक्ट का मतलब किसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाए जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव प्लेट की तरह डिफ्लेक्ट हो जाता था समझ गया डिफ्लेक्ट का मतलब मान लो सीधे जा रहा है ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया ओके ठीक है पाथ अपना चेंज कर दिया इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट द कैथोड रे कैथोड को डिफ्लेक्ट कर देता है कैथोड रे को सी प्रॉपर्टी में सी में थर्ड प्रॉपर्टी आपका ये है कि आपको ये ध्यान रखना कैथोड रे हाँ बोलो डाउट है कैथोड रे नो सर गलती कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन कैथोड रे जो है हमारा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है क्यों शैडो हाँ एंड क्यों कर रहा है क्योंकि एंड कैन कास्ट शैडो दिखता है इसलिए डी में आ जाओ है ना क्या होता है जैसे कैथोड रे जनरेट हुआ था ना तो कैथोड रे में क्या होता है ना कैथोड रे के प्रेजेंस मान लो कैथोड रे है और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई कर दिया तो किधर मूव करेगा मैंने बताया ना लिख लेना हाँ तो दे आर मीन्स कैथोड रे के बारे में बोल रहा है दे आर प्रोड्यूस एट द कैथोड एंड ट्रेवल टुवर्ड्स एनोड ठीक है प्रोड्यूस होता है कैथोड पे ट्रेवल करता है एनोड पे कैथोड हमारा नेगेटिव था एनोड हमारा पॉजिटिव था ठीक है इन ए वैक्यूम सर कैथोड रे का स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर रहेगा ना क्या बराबर रहेगा क्या बराबर कैथोड रे का स्पीड और लाइट का स्पीड बराबर रहेगा ना कैथोड रे का स्पीड और लाइट रे का स्पीड लाइट का नहीं स्लोअर होगा क्योंकि उसमें पार्टिकल है ना तो स्लोअर ही होना चाहिए उसमें पार्टिकल ठीक है सर हाँ बोलो सर ये इन ए वैक्यूम है हाँ इन ए वैक्यूम ट्यूब ठीक है जो डिस्चार्ज ट्यूब था उसी को वैक्यूम ट्यूब ही बोलते हैं ना स्पीड ऑफ कैथोड रे इज स्लोअर देन लाइट ठीक है स्लोअर देन लाइट लाइट से कम होता है ठीक है सर इसको रीजन क्यों इसके पीछे ये रीजन है जैसे क्योंकि इसका अगर आप देखोगे जैसे सर आइंस्टाइन की थ्योरी कहती है कि कोई भी मास लाइट की स्पीड से तेज नहीं जा सकता तो उसमें पार्टिकल होते इलेक्ट्रॉन तो हाँ इलेक्ट्रॉन होता है एंड हाँ पार्टिकल चलते हाँ जैसे यहाँ पे क्या था नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ना इलेक्ट्रॉन हमारा तो इलेक्ट्रॉन का तो मास वैसे बहुत कम है लेकिन कुछ तो है
ठीक है सर, फिर तो लाइट नेगेजिबल नहीं है सर, लाइट पे पार्टिकल्स होते हैं, फोटोन कहते हैं इन्हें, फोटोन का मासलेस पार्टिकल बोलते हैं, वो एनर्जी के बंडल होते हैं, वो मासलेस होते हैं। फोटोन का तो मास ही नहीं होता, आगे देखोगे फोटोन में बताऊंगा, फोटोन में कोई मास ही नहीं होता है ना, वो एनर्जी के बंडल होते हैं ना सर, बंडल फॉर्म में, क्वांटम में पढ़ोगे आप लोग, आगे आएगा सारा, ऐसे होता है वो, बंडल के फॉर्म में ट्रांसफर होता है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता है ना। फोटोन का मास नहीं, मतलब इतनी की स्पीड होती है कि लाइट की स्पीड से कंपेयर कर सकते हैं, इतनी तो किसका सर, जो कैथोड रे है उसकी स्पीड इतनी की कंपेयर कर सकते हैं लाइट से, लाइट से कम होता है, लाइट से, अगर लाइट के स्पीड से कैथोड रे की स्पीड कम होती है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका क्या है, अगर ये ऑब्जेक्ट पे हिट करता है ना, मतलब ऑब्जेक्ट से टकराया है ना, तो हीट जनरेट करता है, याद रखना ये, ठीक है। द ऑब्जेक्ट हीट बाई कैथोड रे, तो ध्यान रखना क्या करता है, अगर ऑब्जेक्ट को कैथोड रे हीट करेगा ना, देन ऑब्जेक्ट गेट्स हीटेड, हाँ, देन क्या लिख सकते हो, हीटेड बाय कैथोड रे, है ना, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, गेट हीटेड, जिस ऑब्जेक्ट को हीट करेगा ना कैथोड रे, वो ऑब्जेक्ट हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, वार्म हो जाएगा ना, ठीक है। जी पॉइंट में आप क्या लिखोगे, है ना, ये जो है अपना कैथोड रे है, कैथोड रे कैन पेनिट्रेट थ्रू थिन मेटल शीट, अगर थिन बहुत पतला मेटल प्लेट है ना, उसको पार कर जाएगा ये, दे कैन पेनिट्रेट थ्रू थीन मेटल सीट, थीन मेटल सीट को ये पास कर देगा। आ सर पेनिट्रेट क्या होता है, पेनिट्रेट मतलब फाड़ के चले जा रहा है ना, पेनिट्रेट कर देना, पार कर देना उसको, ठीक है, पेनिट्रेशन, घुस जाना, अंदर चले जाना, या अगर आप चाह रहे हो कि ना कि कैथोड रे को रुक ले थीन प्लेट से वैसे, तो ये पार कर जाएगा इसको। EFGH, एच में लिखना, एच में आपको हम लोगों ने एक चीज बताया था ना, गैस जो होता था यहाँ पे, गैस जो आप यूज कर रहे हो ना, गैस गेट्स आयोनाइज्ड, गैस गेट्स आयोनाइज्ड बाय कैथोड रे, कैथोड रे क्या करता है ना, गैस को आयोनाइज कर देता है, आयनाइज मींस इलेक्ट्रॉन वहां से निकाल देगा, ठीक है। तो सर सिर्फ गैस के साथ ऐसा करेगा, अगर कोई भी मटेरियल के टच में आ जाए? नहीं, सर गैस के साथ थोड़ी करेगा गैस, हां गैस का इसलिए भी कि गैस का अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है इसलिए, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी, अब मेटल के सामने तुम कैथोड रे पास करा रहे, नहीं होता, मेटल के साथ नहीं करेगा ये, ठीक है। तब हम लोग यूज करते हैं, पता है अल्फा, याद है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट? यस सर, अल्फा सर याद है, रदरफोर्ड मॉडल ने किया था। तो फिर वहां पे कैथोड ही ना यूज कर ले, बोलो। चलो आगे आ जाओ, GHII में आपको ये याद रखना कि कैथोड रे यार कितना लाइटर होता है, याद रखना, कैथोड रेज आर 180 times lighter than 180 times lighter than hydrogen, than hydrogen, hydrogen, ठीक है, 180 times lighter होता है hydrogen से, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, इतना हल्का होता है, ठीक है। चलो, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज और पता है ना, कि कैथोड रे जैसे फॉल किया था जेडेनिस प्लेट पे, तो ग्लो हो गया था, याद है ना,
तो ये भी लिख लो सर। हमने अभी क्या बोला? मैंने ये बोला कि कैथोड रे जब हीट कर रहा था ZNS प्लेट को, है ना, फॉस्फोरेंस प्लेट जो था ना हमारा पीछे लास्ट को हम लोगों ने जो ZNS यूज किया था, तो उसको जब हीट कर रहा था, जब फाल कर रहा था कैथोड रे, तो ग्लो किया था ना वो, तो याद रखना। यस सर, ब्राइट हुआ था। हाँ, ब्राइटनेस आ रहा था ना, तो फॉस्फोरस ग्लो हो जाती है कब? व्हेन कैथोड रे फॉल ऑन हीट। अगर इस पे कैथोड रे गिरेगा ना तो ये ग्लो कर जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये प्रॉपर्टी होगी हमारी किसकी? कैथोड रे की, है ना। ओके, अब इधर चलते हैं। इस तरह से लिखा है ना, हाँ देखो, ये कंक्लूजन लिखा हुआ है सारा चीज, है ना। कंक्लूजन क्या बोल सकते हैं? कैथोड रे टेबल इन द स्ट्रेट लाइन। देखो यहाँ पे शैडो जनरेट होगा। ये आपने क्या लिखा है? पार्टिकल यूज किया है बीच में, दिखा, मेटल ऑब्जेक्ट हम लोगों ने यूज किया और ये शैडो जनरेट हो गया यहाँ पे। इसका मतलब क्या है? कंक्लूजन ये निकला कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। yes. कैथोड रे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। कैसे? जब आप पेडल यूज करोगे ना, ये याद रखना, मैकेनिकल इफेक्ट भी जनरेट करता है। मैकेनिकल इफेक्ट का मतलब ये हुआ, जब आप पेडल यूज करोगे ना, ये हमारा पेडल है ना, जब आप पेडल यूज करोगे तो पेडल मूव करने लगता है ना, पेडल यहाँ से यहाँ जाने लगा, ठीक है, रोटेट होने लगा साथ में। रोटेट होने लगा हमारा पेडल, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? कैथोड रे प्रोड्यूसेस मैकेनिकल इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है ना, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है? कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ, हाँ, इससे हमें ये पता चला कि कैथोड रे जो है उसमें क्या होती है? मटेरियल होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसी एक्सपेरिमेंट से, मतलब इसी एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला क्या, कि कैथोड रे में पार्टिकल होगा क्योंकि ये पेडल को रोटेट कर दे रहा था, ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ, जैसे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जब आप अप्लाई करोगे, मैंने क्या किया, क्या बताया था कि जब आप इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। हाँ, तो डिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ आ रहा है? डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये क्या है? चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। कैथोड रे और क्या चार्ज, कैथोड रे में क्या है? चार्ज है ये, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना। और डिफ्लेक्शन जो हो रहा था कहाँ हो रहा था? अवे फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव की तरफ हो रहा था। यहाँ से जो रे निकल रही थी ये इधर डिफ्लेक्ट कर रही थी पॉजिटिव की तरफ, इसका मतलब ये क्या हुआ? ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ये कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ डिफ्लेक्ट हो रहा था। हाँ, तो कंक्लूजन में हमें क्या पता चला कि जो हमारा कैथोड रे है, कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसे अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। हाँ बोलो सर, इसको भी प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड में लिख सकते हैं रे इसमें। हाँ, तो उसी में तो है, देख लो आप, लिखा है ना, कोई प्रॉपर्टी है सारा, कहाँ गया था? गेट्स डिफ्लेक्टेड वाला कहाँ है? इसको और डिटेल में लिखा है बस, आगे कुछ नहीं है ना, ऊपर होगा। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट द कैथोड रे, अब वहां पे थोड़ा डिटेल में दिया बस, अंतर नहीं है ना। ओके सर, ठीक है। और ये भी मैंने बता दिया कि जब कैथोड रे पास कराते हो तो जब ये हीट करेगा ZNS प्लेट को तो ग्लो करने लगेगा, ठीक है, स्क्रीन ग्लो करने लगी, देखो, है ना। यस, ये सारा प्रॉपर्टी है ना। देखो, कैथोड रे पेनिट्रेट कर जाता है थ्रू थिन शीट ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम यूज करो मेटल, एंड दे अफेक्ट ग्राफिक प्लेट। ये कैसे चेक हुआ कि ना थिन प्लेट ना यूज किया गया यहाँ पे? ये क्या है? थिन प्लेट यूज किया गया, राइट। और यहाँ पे तो ZNS है ही पीछे, ZNS कोटेड है यहाँ पे लास्ट में, तभी तो पता चलेगा कि इसको ये पेनिट्रेट कर पा रहा है। देखो यहाँ पे ये पेनिट्रेशन हो गया, यहाँ पे पेनिट्रेशन हो गया है, तभी तो यहाँ पे हिट किया, फॉल किया तो क्या होने लगा? ग्लो होने लगा, ठीक है, ZNS स्क्रीन, ठीक है सर। हाँ बोलो, फोटोग्राफिक प्लेट कौन सी है?
ये है फोटोग्राफिक प्लेट। ZNS? हाँ ओके सर। फोटोग्राफिक प्लेट में पहले यूज करते थे हम लोग बहुत पहले। ये थिन प्लेट को मतलब फाड़ के उसको पार कर जाएगा। एंड अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, वही ZNS का ही है फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है सर, अगर थिन की जगह थिक प्लेट लेंगे तो? नहीं अगर ले लिया तो मतलब क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा, ग्लो नहीं होगा ना ज्यादा। ज्यादा होगा तो हल्का सा हीट हो जाएगा, फिर हीट कर जाएगा, हीट हो जाएगा बस। तो सर फिर उसमें मतलब ग्लो नहीं करेगा ना? ग्लो तो पीछे है ना, इसको पेनिट्रेट करना पड़ेगा, आपको इधर से जाना पड़ेगा तभी आप यहाँ पे हीट कर पाओगे। पार ही नहीं होगा वो अगर। हाँ ठीक है, कैथोड रे आर इनविजिबल, ये तो हम लोग स्टार्टिंग में ही देख लिए थे है ना। ठीक है ठीक है, कैथोड रे आर इनविजिबल है ना। कैसे पता चला कि कैथोड रे, जब ये स्ट्राइक कर दिया ZNS एंड फोटोग्राफिक प्लेट को, ग्लो किया, कोटिंग होता है ना, ZNS का कोटिंग होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोर कोटिंग, फॉस्फोर कोटिंग ZNS को ही बोलते हैं। ओके सर, अब आता है नेक्स्ट जो है हमारा एनोड रे। ठीक है, एनोड रे का डिस्कवरी अब स्टार्ट होता है। अब ये बताओ एनोड रे जो है, एनोड रे से ही हमें पता चला था क्या डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन है ना। यस सर। ठीक है, तो एनोड रे में क्या क्या यूज किया गया था बताओ, किसको पता है? बैटरी सर, एक बोल्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसमें यूज। Yes. और यहाँ पे हम लोग यूज किए थे परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड है ना, छेद, परफोरेटेड मीन होल, टीनी टीनी होल रहेगा, परफोरेटेड होगा। जैसे सर हमने ऑयल ड्रॉपेड में प्लस की जो होल होल शीट थी उसमें, कैथोड वाला में परफोरेटेड प्लेट यूज किए थे ना हम लोगों ने, तो यहाँ पे भी यूज करते हैं ना। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे सारा कंडीशन सेम है, प्रेशर लो होगा, सब चीज सेम है, डिस्कवरी ट्यूब, हाँ डिस्चार्ज ट्यूब भी है, सारा चीज सेम है। ये क्या है हमारा डिस्चार्ज ट्यूब, लिखा भी है, अच्छा लिखा भी है, परफोरेटेड कैथोड यूज करते हैं। ठीक है राइट, अब आ जाओ, अब यहाँ पे हो क्या रहा था, ये है ना एनोड रे को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैनाल रे, कैनाल। ठीक है, एनोड रे को ही अपन कैनाल रे बोलते हैं, क्यों बोलो, एनोड रे को ही कैनाल रे क्यों बोला जाता था? पॉजिटिव होते हैं सर, इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए शायद। अब यहाँ पे देखो, जो ये सेटअप था कैथोड क्या था हमारा, और ये हमारा एनोड है ना। ठीक है, तो कैथोड हमारा नेगेटिव होगा, एनोड हमारा पॉजिटिव होगा, यही ना होगा ना। ठीक है यस सर, है ना, प्रेशर लो है, वोल्टेज आपका वही सेम है ना, सारा सेटअप सेम। ठीक है ना, अब आप लोग ये बताओ यहाँ पे कैथोड रे जो है, कैथोड रे बोल रहा हूँ, यहाँ पे कैनाल रे कैसे प्रोड्यूस हुआ था? इलेक्ट्रिसिटी से हुआ था, बोलो ऐसा इलेक्ट्रिसिटी से हुआ ना सर। कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराई ना इसमें, जैसे कैथोड में कराई थी हमने। हाँ इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ, ठीक है ना, या तो बैटरी है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। नहीं नहीं यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे ये बताओ यहाँ पे कैसे हुआ था, ये तो बाद में पता चलेगा ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव तो बाद में पता चलेगा। आप इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हो ना, ये सिंपल सेटअप स्टार्टिंग का सेटअप है, ये स्टार्टिंग का सेटअप बताओ आप लोग, ये आप लोग पढ़े भी हो गए। पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा ना। आए हाँ, ये तो सर बात की होगी, आप बोल रहे हो बाद में पता चलेगा। नहीं नहीं ये जो है हमारा कैथोड से निकल रहा होगा रे कोई सर, समझ गया, तो कोई रे यहाँ से निकल रहा होगा ना कैथोड से, तो वही तो एनोड में जा रहा था, जिसे हम लोग क्या बोल रहे थे कैथोड रे, इधर जा रहा था। yes, ये जो रे जा रहा होगा उसी को अपन क्या बोले थे, कैथोड रे। तो ये पीछे कौन जा रहा था, एनोड प्लस पॉजिटिव। नहीं नहीं कौन था एनोड रे का,
बोलो, एनी वन, किसी को आइडिया है? क्या क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आप पूछ क्या रहे हो? नहीं, अरे एनोड रे कैसे पता चल गया उसको, ये पूछ रहा हूँ। सर जो आयन से ऐसे पता चला कि कोई सर जो आयन है वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा कैसे पता चल गया उसको, वही तो मैं जब पूछ रहा हूँ कोई कैसे। कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा सर तो वो प्लस में ही होगा। नहीं, हाँ ठीक है, लेकिन उसको कैसे पता चल गया कि ये जो है रे जो है कैथोड की तरफ ही अट्रैक्ट हो रहा है, सर वही हमने तो। परफोर्टेड लगा तो रखे बीच में जो प्लेट से, हाँ तो उससे क्या हो जाएगा, सर उससे क्या हो जाएगा, आप ही बताओ उससे क्या हो जाएगा। जो दिशा में पता चल गया। नहीं, कुछ तो चीजें हुई होंगी ना यहाँ पे। बोलो, सर कैथोड रे हमें थोड़े पता चल गया था कि यहाँ पे कोई रे निकल रहा है, वो जाके स्ट्राइक कर रहा था वहां पे, तो हमें लगा कि कोई रे है जो यहाँ से निकल रहा है। ठीक है बोलो, तो सर स्ट्राइक करा फिर, तो सर ये भी स्ट्राइक करेगा ना किसी ऑब्जेक्ट फिर से बता पे दीजिए। फिर, तो हाँ बस हाँ बोलो। ये भी स्ट्राइक करेगा किसी ऑब्जेक्ट पे तभी तो पता लगेगा। हम लोग केवल देख के थोड़ी बताएं, ये दिखेगा थोड़ी, ये पॉजिटिव नेगेटिव ये क्यों आपको दिखाने के लिए लिखा है, तो यस दिखेगा सर, थोड़ी वो, आपको क्या लग रहा है ये दिखेगा इसे? नहीं दिखेगा। ठीक सर ये तो हमें सर वो करना जानना पड़ेगा ना, खुद से पता होना चाहिए कहाँ से। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता था कि हम लोग परफोरेटेड कैथोड जो यूज किए थे ना, है ना, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखो ये रख लिया था, ये जो देख रहे हो ये दिख रहा सर है, ये कराए सर, ये यूज किया है ना, ये ये क्या है बाद में हमें ये पता एक्सटेंडेड चला। हाँ हमें बाद में ये पता चला कि अगर हम, एनोड रे के अपोजिट कैथोड रे जाती हाँ यहाँ पे क्या हुआ ना कि परफोरेटेड कैथोड रे यूज करने से हमें ये पता चला कि कुछ चीजें जो है यहाँ से निकल रही हैं और ये जाके जिसने स्ट्राइक कर उल्टी रही हैं। दिशा में, हाँ उल्टी दिशा में। हाँ उल्टी, हाँ फ्लो हो रहा था, ये हमें बाद में पता चला कि ये कुछ तो चीजें हो रही हैं यहाँ पे, ग्लो कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि रे जो है एनोड से निकल रहा है, कोई एनोड से रे निकल के कैथोड को पार करते हुए यहाँ पे जाके स्ट्राइक किया, तभी तो ये ग्लो हुआ है ना, नहीं तो नहीं होता। अगर ग्लो हुआ है तो कुछ तो आया है, कैथोड प्लेट को पार किया इसने, परफोरेटेड कैथोड आया ना, यस तभी आया होगा ना, नहीं तो कैसे पता चलेगा, सर, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे, इसलिए हमें ये पता चला कि कोई रे जो है एनोड से निकल के, एनोड से भी रे निकल रही है, कैथोड से तो निकल रहा था ये हम लोग ऑलरेडी देख लिए, लेकिन एनोड से भी रे हमारा निकल रहा था। ठीक है, और ये एनोड का रे जो है परफोरेटेड कैथोड रे यूज किए तब पता चला, और ये स्ट्राइक किया और ग्लो हुआ तो हमें ये पता चला कोई रे निकल रहा है न? और ये रे जो निकल रहा था एनोड से, और एनोड हमारा पॉजिटिव था, ठीक है, तो इसलिए हमें ये रे को क्या बोलने लगे, एनोड रे, एनोड रे हम लोग इसे बोलते हैं। ठीक यस है, क्लियर है सर, ना। अब आता सवाल कि इसे हम लोग कैनाल रे क्यों बोलते हैं, एनोड रे तो चलो ठीक है समझ गए, एनोड से निकल रहा है तो इसलिए अपन एनोड रे बोल रहे हैं, कैनाल रे क्यों बोलते हैं बोलो। आप लोग खुद सब दिख रहा है यहाँ पे, आप लोग कैनाल में गए हो, कैनाल कैनाल में जैसे जहाँ तैरता पे पानी है वैसे तैर रहा है। यस सर, निकलता है, पानी निकलता है, देखा है गए ना, जैसे सर, टनल में गए हो, टनल में मेट्रो यस को जाते सर, हो, ठीक यस सर, यस ना। तो टनल में क्या होता है, छोटा सा जगह आता है वहां से लोग निकलते हैं, समझ सर, गया, तो वहां पे क्या बोलेंगे, तो सेम चीज यहाँ पे क्या हुआ ना, इस परफोरेटेड जगह से, छोटे छोटे जगह से जो रे निकल रहा था, है ना, ये जो रे निकल रहा है यहाँ पे इधर,
ये रे कैसे निकल रहा था, परफोरेटेड से है ना सर, परफोरेटेड से जो रे निकल रहा है, इसको जो होल है टीनी टीनी वहां से जो निकल रहा है, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, एनोड रे इज आल्सो कॉल्ड कैथोड रे, कैनाल है ना, एनोड रे इज आल्सो कॉल्ड कैनाल रे सर, ठीक है, कैथोड होल नहीं नहीं कैनाल रे, ठीक है कैनाल रे, ओके कैनाल रे बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये रे जो है पास कर रहा है किधर से, बिकॉज परफोरेटेड, यस बिकॉज लिख लो यहाँ पे परफोरेटेड, यहाँ पे लिख लो आप कैनाल रे, देखो कहीं लिखा है कि नहीं, ठीक है ऊपर ही लिख लो, यहीं पे लिख लो, एनोड रे को कैनाल रे बोलते हैं बिकॉज बिकॉज इट इट पासेस पासेस थ्रू परफोरेटेड, यस थ्रू द होल, होल ही है ना ये तो, होल या कैनल से, कैनल से पास, ठीक है इन द कैथोड, इन द कैथोड ये होल से पास कर रहा था इसलिए हम लोग इसे कैनाल रे भी बोलते हैं, है ना, और ये एनोड से निकल रहा था इसलिए हम लोग बोलते हैं एनोड रे, फाइन चलो इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना, आगे चले हम लोग, अगर कोई आपसे पूछे कि हाँ सर अगर हम अभी अभी की नॉलेज देखें तो हमने पढ़ा है कि प्रोटॉन जो है एटम के न्यूक्लियस में होता है, प्रोटॉन अंदर होता है, तो सर कैथोड रे तो समझ में आती है इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं तो उनके लिए आ सकते हैं, तो सर प्रोटॉन की कैसे आ गए, मतलब जो ये कैनाल रे, अच्छा आप आपको, अच्छा आपको ये लग रहा है कि जो हमारी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोन है तो एकदम न्यूक्लियस में ही रहेंगे, ऐसा है, नहीं सर ऐसा नहीं सोच रहा हूँ, पर वो सर बहुत मुश्किल चीज है ना, वो बहुत मुश्किल चीज है, इलेक्ट्रॉन से तो बहुत ज्यादा करना, देखो अगर आप देखोगे ना मेटल का सरफेस तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए भी पॉजिटिव चार्ज चाहिए ना, समझ रहे हो आप, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही जगह सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, कि केवल एक पॉजिटिव चार्ज है सारा तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऐसा नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी होंगे इधर उधर, प्रोटॉन भी होंगे तभी तो होल्ड करके रखेंगे ना सारा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, हाँ ऐसा बोला जाता है न्यूक्लियस में मुश्किल होता है, थोड़ा मुश्किल होता है ये बोल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोटॉन है सारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, नहीं प्रोटॉन भी होते हैं जहां तक प्रोटॉन भी दिखेंगे आपको सर, लेकिन वो तो न्यूक्लियस में ही होंगे ना जो हमने अभी तक पढ़ा है, हाँ न्यूक्लियस में ही रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर जगह इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन भी रहेगा तभी तो उसको होल्ड करके रखेगा, प्रोटॉन तो होगा ही है सर, प्रोटॉन तो होगा ना तभी तो होल्ड करके रखेगा, तो सर प्रोटॉन के साथ तो न्यूट्रॉन भी जा रहा होगा क्योंकि उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स होता है, अगर वो टूट गया तो वातावरण सर, मतलब सर प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी जा रहा होगा, हाँ तो होल्ड करने के लिए भी तो चाहिए ना हमें इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी होगी अभी आगे होगी, ठीक है ठीक है, तो ये चीजें जो है ऐसा नहीं है प्रोटॉन होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड रखेगा ना, होल्ड रखना है ना दोनों को, ठीक है, अगर होल्ड होल्ड रख ही नहीं पाया तो कैसे होगा, ठीक है आगे चले, तो एनोड रे का एक्सपेरिमेंट कैसे हो गया, परफोरेटेड हम लोगों ने कैथोड रे यूज किया, कैथोड रे के पीछे, कैथोड रे के पीछे ग्लास ट्यूब में हम लोगों ने जैसे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किए थे सेम हम लोग एनोड रे में क्या किया, कैथोड से पीछे हम लोगों ने कोटेड कर दिया और यहाँ पे ग्लो हो गया है ना, ठीक है ठीक है, तो ग्लो होने से हमें ये पता चला कोई तो रे निकल रही है और उस रे का नाम हम लोगों ने दे दिया एनोड रे, और इसे हम लोग कैनाल रे भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये पास कर रहा है होल से कैनाल से, इसलिए कैनाल से पास कर रहा है इसलिए हम लोग बोलते हैं कैनाल रे, बस फाइन, क्योंकि यहाँ पे ये ग्लो हो गया था इसलिए, यही मैं ना आपसे 10 मिनट से पूछ रहा हूँ कि कैसे हो गया, कैसे हो गया है ना, तो आप बोल रहे सर यही तो हो रहा है परफोरेटेड यूज किया, देखिए परफोरेटेड ठीक है, यहाँ से ये रे जाके यहाँ स्ट्राइक किया और ये ग्लो हुआ था तभी हमें पता चला है ना, हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दिखेगा थोड़ी जो यहाँ पे बना रखा है, yes, नहीं ठीक है, yes, अब आ जाओ एनोड रे से हमें डिस्कवरी किसका हुआ था, प्रोटॉन का,
एनोड रे ही डिस्कवर किया था किसका, प्रोटॉन का, प्रोटॉन का चार्ज प्रोटॉन। यस सर, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में हमें क्या पता चला कि न्यू टाइप ऑफ रे कम्स आउट थ्रू द होल इन द कैथोड, ठीक है, कैथोड से न्यू टाइप ऑफ रे पास कर रहा था और ये जो रे जो है पास करके ग्लो हो जा रहा था, कहाँ, कैथोड के पीछे, कैथोड के पीछे अपन यूज किए थे, ठीक है, हाँ ना, हम लोगों ने ऐसा मटेरियल यूज किया था कि जो भी आके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा ना तो ग्लो करेगा, तो यहाँ पे ये ग्लो हो गया था। ग्लो होने समय यही पता चल गया कि कैथोड से पीछे से कोई चीजें निकल रही है जो स्ट्राइक करके ग्लो कर रहा है ना, फेंट रेड ग्लो, ठीक है, रेड कलर का ग्लो हो गया होगा, ठीक है, ग्लो हो गया, ठीक है, ओके। अब कुछ चीजें प्रॉपर्टी देख लो एनोड रे के बारे में, है ना, सेम एनोड रे ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि ये शैडो शैडो प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे देखो, ठीक है, शैडोज आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ एनोड रे या ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली एनोड रे जो है रोटेट कर दिया था, इसका मतलब ये क्या है, हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी है, रोटेट हो गया, इसका मतलब क्या है, मैकेनिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल इफेक्ट दे रहा है, मैकेनिकल इफेक्ट, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, फाइन। और क्या है, दे आर डिफ्लेक्टेड टू, हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव में भी डिफ्लेक्ट हो जाएगा, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करोगे तो ये किधर डिफ्लेक्ट होगा, नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव साइड, ठीक है, नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसका मतलब ये हुआ हमारा ये क्या पॉजिटिव चार्ज, इससे हमें ये पता चला गया क्या एनोड जो हमारा एनोड रे है ये क्या है पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, यस सर, क्लियर है, पॉजिटिव है, ओके। अब आ जाते हैं, हम लोगों ने यूज किया था ये डिस्चार्ज हुआ पता है हाइड्रोजन गैस यूज किया था H2 गैस, ठीक है, E by M value is maximum when hydrogen gas is taken in the discharge tube, ठीक है, अगर आप E by M रेशियो जो होगा किसका ज्यादा होता है हाइड्रोजन गैस के लिए, ध्यान रखना, ठीक है, क्या सर समझ नहीं आया, समझ E by M रेशियो जो है E क्या है हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, यस सर, इलेक्ट्रॉन मास है, है ना सर, अब थोड़ी सी क्लियर होने लग गई है इसके बारे में, A में क्या है हमारा मास, जो मास ऑफ गैस जो ले रहे हो, यस सर, मास जो गैस लिए उसका, है ना, यस सर, इसलिए देखा जाता है E by M रेशियो जो होता है ना हाइड्रोजन का कम होता है, जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे मास चेंज होता चला जाएगा, मस्ट बी मिनिमम फोर हाइड्रोजन गैस पार्टिकल, ठीक है, क्लियर सर, और ये देखा गया कि हाइड्रो सर जो हाइड्रोजन का मास है वो मिनिमम इसलिए होगा ना क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन होते हैं, बाकी सारे आगे गैसेस में तो न्यूट्रॉन हाँ। बढ़ते चले जाते हैं, यस, तो हाइड्रोजन का मास वैसे भी कम होता है ना सबसे, इसलिए ये देखा गया है कि सबसे लाइटेस्ट प्रोटॉन जो है या बोल सकते हो पार्टिकल जो ऑब्टेन हुआ लाइटेस्ट हल्का प्रोटॉन है ना हाइड्रोजन, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन जो था हाइड्रोजन से हमें क्या पता चला जो लाइटेस्ट अमंग ऑल पॉजिटिव पार्टिकल ऑब्टेंड फ्रॉम डिफरेंट गैसेस प्रोटॉन, उसी को हम लोग बोल रहे थे प्रोटॉन, प्रोटॉन, तो यहां से प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो गया ये हमारा प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन पॉजिटिव भी चार्ज होता है, ई बाई एम रेशियो जो होता है मैक्सिमम होगा हाइड्रोजन गैस के लिए, ठीक है, क्लियर है, है ना, तो अब रहा हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ना, तो उससे पहले प्रॉपर्टी जो है एनोड का हो गया ना सारा, है ना, सारा प्रॉपर्टी हो गया इसमें, हाँ, पॉजिटिव चार्ज होता है, रोटेट कर दिया, शैडो बन रही है, है ना, सेम ही है, केमिकल इफेक्ट दे रहा है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, ठीक है, और लिख लो यहाँ पे सर ये भी लाइट से कम ही होगा ना इसकी भी स्पीड, कौन सा लाइट से ज्यादा दिख रहा है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे, ठीक है, एनोड रे का प्रॉपर्टी लिख लो आप, फर्स्ट क्या जे थॉमसन ने किया था या फिर किसको, इसको, नहीं 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 एनोड रे क्या होती है, एनोड रे
रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इसमें क्या होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। बी क्या है हमारा, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल करती है क्या, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, यस दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेटमेंट पे, ध्यान रखना। सी में जो होगा दे गेट्स डिफ्लेक्टेड, दे गेट्स डिफ्लेक्टेड बाय द, दे गेट्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पाथ लिख सकते हो, फ्रॉम देयर पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे गेट्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक, ठीक है, क्लियर है ना, ये ध्यान रखना है सारा चीज, ओके। और किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है सर, जो एनोड रे है उसकी सर जो स्पीड है वो सर कैथोड रे से सर कम होनी चाहिए क्योंकि प्रोटॉन का मास जो है इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, ऐसा होता है सर? अगर आप कंपेयर करोगे ना तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है सेम एज मास ऑफ हाइड्रोजन, नहीं सर मैं कैथोड रे और एनोड रे की कंपैरिजन में स्पीड कह रहा हूं, स्पीड यस सर, क्योंकि सर प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है ना इलेक्ट्रॉन से तो स्पीड कम होनी चाहिए क्या एनोड रे, हाँ हो सकता है थोड़ा बड़ा है ना, लेकिन अगर आप बहुत सारा चीज मास देखोगे ना, इसका मास का कंपैरिजन करोगे तो आपको ये दिखेगा कि अगर हाइड्रोजन का मास कंपेयर करोगे ना इससे सेम ही होता है, इलेक्ट्रॉन से नहीं, नहीं जो इसका मास है अगर आप मास कंपेयर करोगे ना, प्रोटॉन का मास अगर आप कंपेयर करोगे हाइड्रोजन से, ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन इज सेम एज मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। और एक चीज और याद रखना है यहाँ पे, ये हो गया ना हमारा, ठीक है, अटेंडेंस होगी आज, ठीक है। और एक चीज और पॉइंट लिख लो यहाँ पे, रुक जाओ, डी में लिख लो, एनोड रे में जो होता है ना ई बाई एम रेशियो जो है, ध्यान रखना, द चार्ज टू मास रेशियो जो होती है यहाँ पे, चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो जो होगा ऑफ द पार्टिकल, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है इसमें बोलो, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस टेकन इन डिस्चार्ज टू, टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, सारा चीज तो हो गया है ना। ये डी में क्या है सर, डी डी में क्या है, ये चार्ज टू मास रेशियो सर मींस ई बाई एम रेशियो पूछ बोल रहा है, ई बाई एम, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस टेकन, कौन सा गैस ले रहे हो, हाइड्रोजन ले रहे हो, लिथियम ले रहे हो, क्या ले रहे हो, ठीक है। एनोड का, एनोड का ध्यान रखना, कैथोड का नहीं होता, इसके लिए भाई रेशियो 4 एनोड, ये भाई एम रेशियो 4 एनोड डिपेंड्स ऑन ऑन नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है ना, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है ना। एंड ई बाई एम रेशियो क्या है, हाइड्रोजन के लिए मैक्सिमम है, ये पता है ना, ठीक है, ई बाई एम रेशियो जो है मैक्सिमम फोर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए हमारा मैक्सिमम है, हाँ बोलो, नहीं नहीं हाइड्रोजन का मास कम होता है इसलिए अच्छा, वो मास बोल रहे हो ना, तो 9.58 into 10 के पावर वही होता है, ठीक है।
अगर आप देखोगे ना, ई बाई एम रेशियो जो होता है इसका, देख लो, ई बोल रहे हो ना, यस सर, ई बाई एम, एम रेशियो जो है ना आपका होता है 9.5 × 10⁴ कूलम पर केजी, ठीक है, 9.58 × 10⁴ कूलम पर केजी, ठीक है, फाइन। चार्ज ऑन प्रोटॉन सेम होता है, बस साइन अलग होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वही होता है, ठीक है। ये किसका है, फोर प्रोटॉन, याद रखना, फोर प्रोटॉन क्या बात हो रहा है यहाँ पे, प्रोटॉन के लिए। और एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे, क्या, चार्ज ऑन, चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होगा, सेम होगा, साइन अलग होगा, ठीक है, प्लस 1. Yes, क्या था, 1. 1.9 × 10⁻¹⁰ कुछ भी यूज कर सकते, 1.6 याद रखना बस, 1.6 यही मेन है, 1.6022 × 10⁻¹⁹ कूलम पॉजिटिव होता है बस, ठीक है। ई बाई एम रेशियो 4 प्रोटोन है, ये ध्यान रखना। और क्या याद रखना आपको, नोट में ये लिखना है कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो सेम है मास ऑफ, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, ठीक है, ये पता है ना, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वही क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन इज हाइड्रोजन के एटम सेम एज मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये पूछा जा सकता है ना थ्योरेटिकल। सेकंड पॉइंट क्या याद रखना, इसमें एक ध्यान रखना है यहाँ पे कि बहुत बार, एक मिनट ऊपर वाली स्लाइड पे जाना, यहीं पे लिख लो नोट में, जैसे लिखा ना तो मास ऑफ प्रोटॉन इज सेम एज मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट, यहीं पे लिखना कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है ना, मास ऑफ प्रोटॉन जो है आपका, मास ऑफ प्रोटॉन ये याद रखना, भूला नहीं, मास ऑफ प्रोटॉन जो है इज इक्वल टू कितना होता है, 1837 × मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना, ये वैल्यू याद रखना, ठीक है। क्या है वैल्यू, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है हमारा, 1837 अप्रोक्स होता है, और इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना है ना, ठीक है, ठीक है सर। ये प्रोटॉन का मास है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है, और ये आप लोग चेक भी कर सकते हो ना, मास का, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन करोगे ना, इतना ही वैल्यू आएगा, 1837, फाइन। इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है नहीं ना, नो सर, है ना, चलो सर आगे चलते हैं ना, ठीक है गाइस, हाँ बोलो सर। जैसे जो एनोड रे होती है, और सर जैसे एक बार कैथोड रे देखते हैं, उसमें सर सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए होती है, और सर जो एनोड रे होती है उसमें सर प्रोटॉन की होती है, पर सर जैसे अगर हम हाइड्रोजन की जगह हीलियम इस्तेमाल करें तो सेम हो जाएगा, ये सर, लेकिन उसमें सर न्यूट्रॉन भी होते हैं, लेकिन सर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियर फोर्स से बाइंडेड होते हैं, तो इसका मतलब सर जब कैथोड एनोड रे बनेगी तो उसमें प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी होगा, तभी तो सर उसका ई बाय एम रेशियो चेंज हो रहा है हर बार। मास, हाँ मास चेंज हो रहा है, मास क्यों चेंज हो रहा है, न्यूट्रॉन का मास ऐड कर रहा है, ठीक है सर। अच्छा ठीक है, नहीं चेंज होगा ना, तभी तो बार बार मैंने लिखवाया ना, ई बाई एम रेशियो यहाँ पे चेंज होगा, मैक्सिमम हाइड्रोजन के लिए, लिथियम करोगे चेंज होता चला जाएगा प्रोटॉन के केस में, ठीक है, वो क्या था, इलेक्ट्रॉन का था, इलेक्ट्रॉन का सेम होता है, इलेक्ट्रॉन कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, प्रोटॉन में चेंज होगा ध्यान रखना है ना, सेम फॉर इलेक्ट्रॉन नॉट फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन के लिए चेंज होगा ई बाई एम रेशियो, ठीक है, न्यूट्रॉन भी आते जाएंगे साथ में, ठीक है, है ना, नोट में ऐसे लिख भी लो यहाँ पे, हाँ इसीलिए मास चेंज हो रहा है ना, नोट में ऐसे लिख लो यहाँ पे, इस पे क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार ई बाई एम रेशियो पे, है ना, लिख लो कि
डिफरेंट लिख लो यहाँ पे, द डिफरेंट एनोड रे, द डिफरेंट एनोड रेज, डिफरेंट एनोड रेज पार्टिकल, डिफरेंट एनोड रे पार्टिकल मे हैव डिफरेंट स्पेसिफिक चार्ज. ये स्पेसिफिक चार्ज चेंज हो जाएगा ई बाई एम रेशियो जो है, ई बाई एम चेंज होगा. क्यों हो रहा है लिख लो, दिस इज बिकॉज लिख लो, दिस इज बिकॉज क्यों हो रहा है, दिस इज बिकॉज बिकॉज द डिफरेंट एटम ऑफ द गैस, डिफरेंट एटम ऑफ गैस मे डिफरेंट एटम ऑफ गैस मे लूज डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज द डिफरेंट एटम ऑफ गैस मे लूज डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना. तो इससे हमें क्या पता चला, हाउ एवर क्या बोल सकते हैं, देयरफोर द most of the gas atom lose only one electron, lose only one electron, and in this case, इस केस में क्या हो रहा है, in this case e by m of different anode ray will be इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द लोएस्ट वैल्यू, मीन्स मास चेंज होता जा रहा है ना, तो ध्यान रखना ठीक है. इन दिस केस ई बाई एम ऑफ द एनोड रे विल बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू. तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना, इतना लिटरेचर के बारे में क्या ध्यान रखना, ई बाई एम रेशियो जो होगा एनोड का अलग होगा अगर आप गैस चेंज कर दोगे बस ठीक है. ये हम लोग देखेंगे भी कि अल्फा का ई बाई एम रेशियो क्या होता है, प्रोटॉन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, सबका हम लोग देखेंगे है ना नेक्स्ट क्लास में ठीक है. ओके है ना सर, ये तो एक्सप्लेन कर दीजिए. इसमें ये बोला जा रहा है ना कि ई बाई एम रेशियो जो है एनोड के केस में अलग होता है, क्योंकि डिफरेंट गैस का टेंडेंसी होता है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन लूज करना ठीक है. क्योंकि यहाँ पे आप गैस चेंज करोगे ना तो आपका मास चेंज होता चला, इलेक्ट्रॉन तो चार्ज वही रहेगा समझ गए, हर जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो वही रहेगा. अब आपका इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में हो या अल्फा में पार्टिकल में हो तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो वही रहेगा, मास चेंज होता चला जाएगा ठीक है. ये ध्यान रखना है ना. और इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत सारा चीज क्लियर भी हो जाएगा ना, तो ज्यादा इसमें टेंशन मत हो ना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है ई बाई एम रेशियो ऑफ अल्फा प्रोटोन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है ना, तो ये ध्यान रखना हम लोग नेक्स्ट क्लास में. प्रोटॉन का भी ई बाई एम होता है, वो तो जीरो ही होगा सर. हाँ जीरो ही होता है ठीक है. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे और आप लोग ट्राई करना अरेंज द ई बाई एम रेशियो फॉर अल्फा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. और ये याद रखना, ये इस बार भी जेई में आ गया था, बताओ इतना बार ये रिपीट हुआ है. ये तो सर बहुत आसान है, ये तो आसान है ठीक है. ऑर्डर बताना है ठीक है, ई बाई एम रेशियो प्रॉपर
अल्फा का ज्यादा होगा, मत मीन्स आपको ये बताना है ई बाई एम ऑफ अल्फा ई बाई एम ऑफ इलेक्ट्रॉन ई बाई एम ऑफ प्रोटॉन ई बाई एम ऑफ न्यूट्रॉन। और इसमें इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है ना, बहुत बार रिपीट हो चुका है, इस बार भी पूछा गया था न्यूट्रॉन है। ये क्या है हमारा अल्फा पार्टिकल जिसको हम लोग हीलियम बोलते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन, ये हमारा क्या है प्रोटॉन हुआ, ये हमारा क्या है न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। तो आप लोग ऑर्डर बताना, इसको मान लो ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो और इसको डी ले लो। आप लोग बताना किसका ज्यादा है ना, ऑर्डर बताना है ना। हीलियम, चलो क्लियर है। और ये क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन है, और ये हमेशा के लिए याद ही रख लेना ऑर्डर, राइट। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, टेक केयर। हमारी अटेंडेंस हो गई, ठीक है। हाँ सर, अटेंडेंस ऐसी लग जाती है।